नमस्कार, आप देख रहे हैं टी न्यूज। चलिए निकलते हैं आज की खबरों पर। जनपद आगरा के थाना क्षेत्र डौकी के अंतर्गत गांव कुंडोल के डीएवी इंटर कॉलेज में आज सोमवार को किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएवी इंटर कॉलेज में लगाई चौपाल। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने द्वारा लगाई गई चौपाल में आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज डीएवी इंटर कॉलेज में लगाई चौपाल में किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर विरोध किया। आज डीएवी इंटर कॉलेज में एकजुट होकर नए 3 कृषि कानून बारे में विरोध किया और किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी तक के इस मसले को लेकर के दिल्ली में कूच करेंगे और अगर इन 3 कृषि कानून बिल लागू किए हैं उन्हें वापस नहीं लेते हैं तो बड़ा ही संघर्ष और धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाकर करेंगे। इसी के तहत आज कुंडोल में चौपाल लगाकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इसी पहल पर चर्चा की। लगाई गई चौपाल में किसान यूनियन की के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह ने की अध्यक्षता में हुई। इसी दौरान किसान यूनियन कार्यकर्ता परवेंद्र सिंह धाकरे, गजेंद्र सिंह, प्रवीण धाकरे, विजेंद्र सिंह, एडवोकेट सुल्तान सिंह, अशोक महेश, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। दोनों चीजें इसमें धमकी भी है। अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीलाल तोमर, उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिलाध्यक्ष हूँ आगरा। सर, यहाँ पे जो कुंडोल पे डीएवी इंटर कॉलेज में यहाँ पे आपने चौपाल लगा केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल पास हुए हैं उसके विरोध में आपने ये चौपाल में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? हम इस संदेश से चौपाल में ये संदेश दे रहे हैं कि देहात जो देहात में इसका जो 3 कृषि कानून है उनको हम देहात में इस गोष्ठियों के द्वारा कैसे हम जागृत कर सकते हैं कि ये 3 कानून जो 3 कानून है वो किसानों के लिए हाथ मुखाती कानून ये। उसके बाद जो पहले में जो वहाँ पे पलवल बॉर्डर पे जो किसान लोग वहाँ पे शीतकालीन में एकत्रित हुए हैं वहाँ बेचारे वे पीड़ा भी होत रहे हैं उसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? उनके बारे में संदेश रहे हैं किसान अड़ा हुआ है, किसान कह रहा है कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे जब तक हमारी भी वापसी नहीं होगी और किसान वहाँ पे सही सर्द हवा में भी पड़ा हुआ है और हमारे 70 के करीब साथी शहीद हो चुके हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ केंद्र सरकार द्वारा ये आपके किसान बिल पास हुए इनके बारे में कुछ हासिल होने वाला है? बिल्कुल, किसान इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम जब तक वापस नहीं होंगे हम इसको जो है हम अपने घर वापस ले जाएंगे और इस कानून को हम वापस लेके ही रहेंगे क्योंकि हमारे साथ 550 संगठन है, किसान संगठन है और सारे संगठन इसी उसमें है कि जब तक ये वापसी नहीं होगी जब तक हम लोग भले ही हमें शहादत देना चाहता हूँ। मैं प्रवीण सिंह महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकेत आगरा जी। यो यहाँ पे कुंडोल पे या डीएवी इंटर कॉलेज में चौपाल लगाई किसान यूनियन के तहत में जो केंद्र सरकार द्वारा 3 के पास हुए विरोध में, इसमें संदेश आप क्या देना चाह रहे हैं? किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है डीएवी डिग्री कॉलेज में। इस गोष्ठी के माध्यम से हमारा उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन लोगों को जागरूक करके ये बताना है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे हैं या तो वो स्वयं वापस ले। आज मैं आपको आप जानकारी देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को, या तो वो वापस ले या फिर इस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारे कृषि कानून के जो बिल है जब तक इनमें संशोधन नहीं किया जाएगा जब तक हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर चाहे जानी क्यों ना चली जाए। ये लगाइए किसकी लगाई गई है? ये आज इस कार्यक्रम किसान गोष्ठी की अध्यक्षता हमारे कुंडोल के ठाकुर फौरन सिंह जी कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी किसान लोग आए हैं ये अपनी स्वेच्छा से, इन लोगों ने जब इनको विस्तार से पता चला कि ये जो कृषि कानून जो बिल है ये हमारे लिए हितकारी नहीं बल्कि हमारे लिए ये बड़े इनका एक भविष्य में देखा जाए तो इससे गलत संदेश जाएगा क्योंकि इससे आय दोगुनी हो ना हो लेकिन किसानों की मृत्यु दर दोगुनी जरूर होगी। अपना परिचय दीजिए सर। मैं भारत सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा। ये सर जो ये किसान यूनियन के तहत यहाँ पे जो डीएवी इंटर कॉलेज कुंडोल पर यहाँ पे चौपाल लगाई गई है इसमें क्या संदेश दिया है आपने? अब ये है कि दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में उसकी वस्तुस्थिति क्या है उसके संबंध में हम जो है यहाँ पर इसको बताने के लिए जनजागरण के तौर पर यहाँ पर आए हैं। जो ये केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल पास विरोध पास किए हैं उसके विरोध में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, हमारा उद्देश्य है कि हम विरोध नहीं है, हम अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों पर बात करने के लिए आए हैं। ये जो बिल आए हैं वो इतने घातक हैं
कि उससे हमारी जिंदगी, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसकी जिंदगी और उन्हीं की जिंदगी, किसानों की नहीं, देहात का वो मजदूर और छोटा छोटा दुकानदार, उन सारे लोगों की जिंदगी पर उसके बड़े दुष्परिणाम आएंगे। इस वजह से हम लोग इसको जन जागरण करने के लिए आए हैं। ये जो पलवल बॉर्डर पर, जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग इस किसान यूनियन के तहत यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो उनके बारे पहलुओं में क्या संदेश देने जा रहे हैं? भाई उनका सीधा सवाल है, वो लोग हैं जो इन कानूनों के बारे में, पूरे भयावह स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानते हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे हम भले ही मर जाएं, लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं है। ऐसा कुछ आपको केंद्र सरकार द्वारा या वो सरकार द्वारा कुछ हासिल दिखाई दे रहा नजर आ रहा है कि केंद्र वापस लेंगे या आने वाले समय में स्थिति आने वाली है? जैसा लग रहा है ये वार्ता का दौर तो सिर्फ एक नौटंकी है उनकी, क्यों कोर्ट उनसे कह रहा है, सारे लोग उनसे कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं, किसान खुद बातचीत नहीं करना चाहता, वो ये थक जाए या नहीं, लेकिन किसानों ने भी कहा है हमें पता है ये कम मानेंगे। अब इनकी जमीन खिसकना शुरू हो गई है हरियाणा के अंदर, वहाँ का जितना भी विधायक है चाहे सत्तारूढ़ दल का हो, सब जो अपने अपने दलों पर दबाव डाल रहा है कि इनकी बात मानिए। यही हालत गुजरात के अंदर हो गई है, यही हालत इनके जो समर्थन दे रहा, जो राजस्थान के अंदर एक समर्थन दे रहा था दल, उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। कई दल जो है समर्थन वापस ले रहे हैं इनके, जो सहयोगी दल हैं, कि हम जो किसानों के साथ हैं, हम आपकी नीतियों का समर्थन भी करेंगे।